हेलो दोस्तों, मेरा नाम सी ए अक्षय है एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम ऑप्शंस ऑफ बेसिक सी में फोर्थ पार्ट पे आ गए हैं, ठीक है। तो अगर आपने पहले तीन वीडियो नहीं देखा, विच आर ऑप्शंस क्या होते हैं और ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है और ऑप्शन के एक्सपायरी पे ऑप्शन का प्राइस क्यों एक्सपायर मतलब प्राइसलेस हो जाता है, ये डिस्कस किया था। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ क्लिक हियर, लिंक आएगा। पहले ये देख लीजिए और फिर से आइए, क्योंकि आपको रेलेवेंस नहीं लगेगा, क्योंकि मैं पहले वाले इंट्रिंसिक वैल्यू ये भी बात करने वाला हूँ, ठीक है। राइट, ओके। तो आज का टॉपिक है हाउ टू चूज राइट प्राइस, ठीक है। हाउ टू चूज अ स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी तक मैं एग्जाम्पल लेके बात कर रहा था कि एक घर है, वो 15 लाख का है, रेंट है, ये है, वो है। तो अभी मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में, मतलब अभी ट्रेडिंग वाले एग्जाम्पल्स में बात करने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो बिफोर वी गोइंग टू अ स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस क्या है? स्ट्राइक प्राइस था अपना घर का जो भी था प्राइस, करंट मार्केट प्राइस अभी तक। बट वी कैन ऑल्सो टेक, मतलब अभी ये था 15 लाख अभी तक, तो 15 लाख करंट मार्केट प्राइस से यही बात किए थे, पर ये हम लोग बात कर रहे थे एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के बारे में, ठीक है। तो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? तो ये मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि स्ट्राइक प्राइस तीन तरीकों के होते हैं, ठीक है। थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस विच आर इन द मनी, राइट, इन द मनी और एट द मनी और आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी का शॉर्ट फॉर्म है आईटीएम, इन आईटीएम, दैट्स इट। और ये है एटीएम, राइट, और ये है ओटीएम, सिंपल सी चीज, राइट। तो अभी हम लोग लेंगे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। इन दोनों में होता है इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी, ठीक है। तो अभी हम लोग तीन स्ट्राइक प्राइस लेंगे और एक करंट मार्केट प्राइस लेंगे निफ्टी, ठीक है। तो निफ्टी चल रहा है एट लेट्स अज्यूम 10,009 का चल रहा है, ठीक है। 10,009 इसका करेंट मार्केट प्राइस है, सी एम पी, करेंट मार्केट प्राइस मतलब अभी चलने वाला भाव धान, ठीक है, राइट। तो हम लोग इसके मतलब करीब करीब स्ट्राइक प्राइसेस लेंगे। निफ्टी का एक होता है 10,000 वाला ऑप्शन, मतलब 10,000 वाला स्ट्राइक प्राइस, और है 10,050 वाला और है 9,950। ये तीनों स्ट्राइक प्राइस है और इनमें 50-50 का डिफरेंस है, मतलब हर कोई स्टॉक में 50-50 का स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस नहीं होता है, बिकॉज दिस इज 10,050 का है। अगर अगर शायद स्टॉक या 1,000 से 10,000 तक है तो मे बी 20 का डिफरेंस होगा, और 500 to 1,000 है तो, अगर स्टॉक का प्राइस 500 to 1,000 है तो 10 का मतलब 500, 510 वैसा रहेगा, ठीक, इट डिपेंड, ठीक है। ये स्ट्राइक प्राइसेस डिसाइड करता है एनएसई, ठीक है। तो ये ऐसा ही है, 50 का डिफरेंस है निफ्टी पे कब से है, ओके। तो दिस इज वन मोर थिंग आपने नया सीखा, गुड। तो या ये तीनों स्ट्राइक प्राइसेस है, ठीक है। तो एट द मनी के बारे में स्ट्रेट आ जाता हूँ, क्योंकि ये आसान है समझाने के, राइट। तो 10,009 पे चल रहा है निफ्टी, ठीक है, 10,009 पे चल रहा है। तो 10,009 का नज़दीक, 10,009 का नज़दीक क्या है स्ट्राइक प्राइस? 10,000 है, ऑब्वियसली इसका 9 पॉइंट्स का डिफरेंस है और इसका 41 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो एट द मनी कॉल ऑप्शन बन गया 10,050,
है ना। तो एट द मनी को 10,000 इधर मैंने लिख दिया, तो ओके। तो पी का एट द मनी क्या होगा? पी का एट द मनी भी 10,000 होगा, क्योंकि एट द मनी ऑप्शन इज द नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस टू करेंट मार्केट प्राइस, मतलब करेंट मार्केट प्राइस का जो भी है नेक्स्ट नजदीक नजदीक वाला स्ट्राइक प्राइस होता है एट द मनी, राइट। आउट ऑफ द मनी ये है कि अगर कॉल ऑप्शन बढ़ना है, मतलब कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़ना है, तो ऑब्वियसली मार्केट को बढ़ना है, द प्राइस को बढ़ना है कि नहीं? प्राइस को बढ़ना है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा, मतलब ऑप्शन का प्राइस जब बढ़ता है, ऑप्शन का प्राइस जब बढ़ता है, ओके, डायरेक्शन कुछ भी हो, प्राइस का डायरेक्शन कुछ भी हो, ऑप्शन का प्राइस बढ़ना चाहिए। अगर कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़ने से ऑप्शन का प्राइस इधर बढ़ेगा, तो हम लोग ये वाला, क्योंकि ऑब्वियसली 10,000 से 10,050 जा रहा है, मतलब प्राइस बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा 10,050 CE। 10,050 CE क्या हो जाएगा? आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन हो जाएगा, राइट। और इन सिमिलर केस पी में क्या हो जाएगा? पी अगर नीचे आया तो ऑप्शन, इसका पुट ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा, ऑप्शन का प्राइस बढ़ रहा है, तो 10,000 से 9,950 आए तो ऑप्शन का प्राइस, कौन सा ऑप्शन का प्राइस? पुट ऑप्शन का प्राइस बढ़ रहा है, इसीलिए 9,950 PE ये बन जाता है आउट ऑफ द मनी, राइट। और क्या बचा है? 10,050 बचा है इधर, राइट। 10,050 PE बचा है इधर, राइट। और इधर बचा है 9,950 CE। ये क्या है? तो अगर आउट ऑफ द मनी ये है, तो 10,000 मतलब ATM से जो भी है ऊपर वो बनता है आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, और ATM से नीचे गया तो बनता है इन द मनी कॉल ऑप्शन, राइट। और सेम इधर ये बनता है, एट द मनी से ऊपर गया तो इन द मनी पुट ऑप्शन बनता है, और एट द मनी से क्या बोलते हैं, नीचे गया तो आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन बनता है। सिंपल सी चीज, राइट। ये समझाना बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ठीक है। ITM, ATM और OTM, अभी ये तीनों मेरे को समझाने समझाना बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हम लोग ट्रेड क्या करते हैं? हम लोग ट्रेड करते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस में चार ही तरीके के ट्रेड होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन का और एक पुट ऑप्शन का, और इन दोनों में एक बायर होता है और एक सेलर होता है, ठीक है, बाय होता है और इधर सेल होता है। इन दोनों में अगर आपको ऑप्शन बाई करना है, यू हैव टू बाई एन OTM, OTM आउट ऑफ द मनी, मतलब अगर कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, पर OTM लिया तो एडेड एडवांटेज मिलेगा आपको, क्योंकि स्लाइट टाइम डिके होगा, ठीक है, स्लाइटली आउटसाइड द मनी ऑप्शन हमको ले। स्लाइटली आउटसाइड द मनी ऑप्शन क्या होता है? अगर प्राइस चल रहा है 10,000 CE पे, आपको लेना है 10,050 CE या 10,100 CE, ये होता है स्लाइटली आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्यों लेना है? क्योंकि अगर आपने सपोज 10,500 वाली ले लिया, तो आपको टाइम डिके बहुत ज़्यादा होगा और आपको इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं मिलेगा, तो इसीलिए आपको लेना है स्लाइटली आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, राइट। सिंपल सी बात, राइट। सेम थिंग फॉर द पुट, आपको भी इधर OTM लेना है स्लाइटली स्लाइटली आउटसाइड OTM लेना है आपको, राइट। मतलब 10,000 PE चल रहा है इधर, राइट। 10,000 PE चल रहा है, आपको लेना है 9,950 PE या
9900 भी लेना है फॉर एन ऑप्टिमल ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, क्योंकि मैं ये खुद करता हूँ और दिस इज़ द बेस्ट रिजल्ट मुझे मिला प्रीवियस पास 3 इयर्स में ये हो रहा है, और मुझे आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट, क्योंकि आपको टाइम डिके इतना नहीं होगा। अगर चलो भैया बाई तो कर रहे हैं और ओटीएम बोल दिया आपने, चलो अभी सेल का क्या सीन है? सेल का आपको करना है इधर एटीएम और आईटीएम, इधर भी सेम एटीएम और आईटीएम, क्योंकि मैं पर्सनली आईटीएम करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे टारगेट्स मतलब कभी कभी मैं पोजिशनल ट्रेड लेता हूँ, थोड़े बड़े टारगेट्स रहते हैं। तो चलो एज्यूम करते हैं कि मैं 10,000 लिया, ओके 10,000 मतलब 9 पे है अभी मार्केट, तो 10,000 CE एक है और 9,950 CE एक है, और मेरा टारगेट माई टारगेट क्लोज टू 9,950 CE, तब मैं ITM लूँगा, क्योंकि दिस इज़ ऑलरेडी एन ITM। जब मैं ITM लेता हूँ देर आर टू बेनिफिट्स, ठीक है, एक होता है प्राइस, प्राइस का बेनिफिट मिलता है, मतलब आपको इंट्रेंसिक वैल्यू, मैं पहले वाले वीडियो में समझा दिया था इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होता है, प्राइस का वैल्यू आपको मिलेगा क्योंकि वो नीचे आ रहा है, और आपको मिलेगा टाइम का वैल्यू भी मिलेगा, टाइम का वैल्यू भी मिलेगा। और इधर क्या हुआ, इधर आपको बस प्राइस का वैल्यू मिलता है और टाइम का वैल्यू इतना कम नहीं होगा, समझ में आ गया? इधर टाइम डीके का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बस टाइम डीके कम होता है, इसलिए मैं ओटीएम स्लाइटली बोला। और एटीएम और आईटीएम में जब अपना टारगेट हिट होता है तो अपना प्राइस का वैल्यू भी मिलता है और टाइम का वैल्यू भी मिलता है, इधर भी सेम है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू चूज अ स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो इधर मतलब बेसिक्स ऑफ ऑप्शन सीरीज ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, पर बेसिक्स ही खत्म हुआ है, ठीक है, तो एडवांस एडवांस लेवल अभी भी बाकी है, पर उसमें जाने से पहले बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं कि टेक्निकल भैया मतलब टेक्निकल समझा दो और क्या बोलते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस पे सीरीज करो। मैं एक्चुअली अगर आप नहीं भी पूछते तो मैं करने वाला था, बिकॉज बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस तो आपको समझ में आ गया, क्या करना है, क्या बाई करना है, कब बाई करना है, कब सेल करना है, ये सब आपको पता चल गया। बट इन ऑर्डर टू डू और टेक एनी ट्रेड आपको एक व्यू चाहिए, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, सॉरी साइडवेज जाएगा या नीचे जाएगा, या आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ये दोनों नहीं होंगे या ये दोनों नहीं होंगे या ये दोनों होंगे या ये दोनों होंगे, इतना कंफ्यूज्ड मतलब व्यूज है ऑप्शन स्ट्रेटजी में, पर ये सब मुझे समझाने में बहुत टाइम लग जाए, इसीलिए अगर आपके पास व्यू है और ये व्यू आपको टेक्निकल एनालिसिस से मिलता है, टेक्निकल एनालिसिस से आपको ये व्यू मिल जाएगा, एंड आई थिंक इससे आप बेटर ट्रेड ले पाओ। तो या तो ये मैं बना के आपको बोल दूंगा। एनीवे तो या थैंक यू गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके थैंक यू।